हमें जल्द ही कोई ठिकाना ढूंढना होगा, बारिश बहुत तेज हो रही है। हम सब बहुत थक चुके हैं। ये मौसम बहुत भयानक है। बारिश रुक जाए तो अच्छा होगा। सब छुप जाओ, यह डायनासोर है। बदमाशों की वजह से मेरी गेंद बार-बार खोई है। चलो वो कम से कम हमारे पीछे तो नहीं आए। कोई तो जगह होगी जो हमें इस बारिश से बचा सके। और आराम भी मिलना चाहिए। वहाँ पर देखो, उस गुफा से रोशनी आ रही है, तुमने देखा? उस चट्टान के नीचे। तुम्हें क्या लगता है? देखते हैं। चलो फिर चलते हैं। ये क्या है? ये लावा के बड़े गड्ढे जैसा लगता है। इसका मतलब हम ज्वालामुखी के अंदर हैं। ये तो मुझे पूरा पकाने के लिए काफी है। रहना साहब। अरे मोटू, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि हमारे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे और सिलवटें भी खत्म हो जाएंगी। अच्छी तरकीब है, हम एकदम से गर्म हो जाएंगे और लंबी नींद लेंगे फिर। मुझे लगता है कि हमें बारी बारी लावा पर नजर रखनी चाहिए, कहीं वो बाहर ना आ जाए। हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जब तक बारिश हो रही मैं तो यही रहूंगा, यहाँ सूखा है। मुझे सबको इस घाटी से सुरक्षित बाहर निकालना है। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है, मैं कुछ गलत नहीं होने दे सकता। कम से कम हमें जगह तो मिली जहाँ हम चैन से सो सकते हैं। तुम्हें भी थोड़ा आराम करना चाहिए सिम्बा। अगर तुम मेरी जगह ले लो बगीरा, तो मैं जाकर सो जाता हूँ। बेशक। सब लोग उठ जाओ जल्दी से। उठ जाओ सब, कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ पर। हाँ? अरे नहीं, मुझे लगता है भूकंप आ रहा है। एक बड़ा शैतान। क्या कोई शैतान है? वो हमें डरा के यहाँ से भगाना चाहता होगा, नहीं तो वो हमला कर देता। हाँ। देखो मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। पागल है, डर रहा है फिर भी आगे जा रहा है। हाँ सही कहा मोटो। ये तो शैतान है। देखो हमें कुछ मत करना, हमें और मुसीबत नहीं चाहिए। माँ, कितना अजीब जानवर है। तू हट जाओ, मुझे परेशान मत करो, हट जाओ मेरे पास से, छोड़ो भी। क्या कर रहे हो? नहीं और
अरे तुम लोग वहाँ खड़े क्यों हो, मेरी मदद करो ना। देखो ये क्या कर रहा है मेरे साथ। मुझे लगता है इस छोटे डायनासोर ने बलू को गोद ले लिया है, चाहे उसे पसंद हो या नहीं। अच्छे डायनासोर, प्यारे डायनासोर, बस करो अब, छोड़ दो मुझे। शायद वक्त आ गया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। छोड़ दो बच्चे, जान बची तो लाखों पाए। ऐसी मुसीबत फिर से ना आए कभी। अगस्त्य तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम सीधा आगे जा रहे हैं और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, और अपनी जिंदगी में भी यही करना चाहिए। सही कहा। अलविदा माँ। बस भी करो। मुझे उस छोटे बच्चे के लिए बुरा लग रहा है, हमें उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था वहाँ। माफ करना मोटू, पर वो हमारे साथ नहीं आ सकता, ये जगह उसका घर है। उसके जैसे यहाँ और भी होंगे। अगर वो हमारे साथ आया भी तो भी उससे अच्छा नहीं लगेगा। पर वो अलग समय से है, वो हमारे साथ नहीं आ सकता। शायद इससे कुछ मदद मिले। और हमें बता सके खाना कहाँ मिलेगा? वो शैतान नहीं है सिम्बा। मुझे माफ करना दोस्तों, हम उसे साथ नहीं ला सकते। सब साथ रहना, और बक्शॉट तुम जितनी दूर देख सकते हो देखो, और मुझे बताओ तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। एक मधुमक्खी, वो अपने छत्ते की तरफ जा रही है। ये सही समय है शहद खाने का। उन्हें मैं बाद में मिल लूंगा। अभी से मुंह में पानी आ रहा है। नहीं, छोड़ दो मुझे, बचाओ, गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा ही लिया था। ऐसा लगता है बल्लू फिर से मुसीबत में है। जरूर शहद खाने गया होगा। और वो मधुमक्खियां उसके पीछे पड़ गई हैं, वो कभी नहीं सुधरेगा। बल्लू अक्सर ही ऐसी मुसीबतों में फंसता रहता है। काओ, क्या तुम देख सकते हो वो कहाँ है? मैं कोशिश करता हूँ। वो पास में ही झील के अंदर है, गुस्सैल मधुमक्खियों ने उसे घेर रखा है। अच्छा है मधुमक्खियाँ तैर नहीं सकती, वरना इसकी मुसीबत बढ़ जाती। क्या हमें जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पहले ही बहुत ज्यादा थक चुके हैं। पर हम उसे यहाँ इस तरह नहीं छोड़ सकते, खास कर जब वहाँ पर मांसाहारी पेड़ हैं। मुझे लगता है उन्होंने हार मान ली है, अब मैं अपने दोस्तों के पास जा सकता हूँ। कितना प्यारा है, और इसकी खुशबू तो एकदम शहद के जैसी है। तुम तो मधुमक्खियों की तरह बुरे हो। नहीं नहीं, माफ कर दो, फिर से नहीं, भागो। नहीं। अरे नहीं, मुझे लगता है बलू सच में मुसीबत में है। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं, बकशॉट, हमें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा बल्लू को बचाने के लिए। मुझे तो डर लग रहा है बल्लू, बहुत ज्यादा।
ठीक है अब बचो। लगता है वो पीछे हट रहे हैं। ओ नहीं, मुझे पता था कि उन्हें सबक मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक असली डायनासोर से लड़ूंगा। तुम ये कह सकते हो। तुम ठीक हो माँ? रुक जाओ और चाटना बंद करो मुझे। पर मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझे बचाने के लिए आए। तुम बहुत बहुत बहादुर हो। आओ मेरे दोस्तों से मिलो। कैसे हो? तुम्हें आना है तो तुम हमारे साथ आ सकते हो। तुमने हमारे दोस्त को भी बचाया। ऐसे नाक के साथ तो तुम खुशबू सूंघने में बहुत माहिर होंगे। तुम काम आ सकते हो। ये बहुत ज्यादा बोलता नहीं है पर मुझे लगता है हमें इसका नाम रखना चाहिए। जब से इसने अपनी पूंछ से बिजली छोड़ी है। मुझे लगता है फ्लैश सही रहेगा। पर वो एक डायनासोर है, वो हम जैसा नहीं है। का, बलू, बकशॉट, मोटू और पतलू सब अलग हैं, पर फिर भी हम एक साथ रहते हैं और मिलकर काम करते हैं। इसकी प्रजाति तो गायब हो गई है। वैसे देखा जाए तो सैम सही कह रहा है। रानी कछुए ने हमें बताया था कि डायनासोर कैसे हजारों साल पहले गायब हो गए थे, पर फ्लैश यहाँ हमारे साथ है और याद रखना उसने हमारे दोस्त को बचाया है। हाँ, मुझे लगता है कि यही सही है। पर ये सब बलू पर निर्भर करता है और मैं कह सकता हूँ कि वो अच्छे दोस्त भी बन गए हैं हम सब की तरह, पर वो मेरी गेंद को नहीं छू सकता। तो फिर तय हो गया, अब से फ्लैश हमारा दोस्त है। पर शुक्रिया कहने के लिए चाटने की जरूरत नहीं है। अगर उसने किसी को खाने की कोशिश की तो? वो नहीं खाएगा, उसकी प्रजाति शाकाहारी है मेरी तरह। फ्लैश ये तो लुटेरों का नाम है। हो सकता है वो हमें किसी पुराने खजाने की तरफ ले जाए। क्यों पतलू? ये तो अच्छी बात है कि वो हमारे साथ आ रहा है। याद रखना वो अभी छोटा है और जब वो बड़ा होगा तो और भी विशाल और ताकतवर हो जाएगा। फिर वो बहुत ही आसानी से हम सब की रक्षा कर पाएगा। और हमें पता है उसके पास विशेष शक्तियाँ हैं। ये सच है। हाँ? मैं हम सब की तरफ से अपने परिवार में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। मुझे लगता है कि ये हमारे लिए भरोसेमंद रहेगा। होशियार लगता है। अगर वो ज्यादा बोल पाता तो वो हमें इस घाटी के बारे में कुछ बता सकता। पर जो भी हम कहते हैं तुम समझते हो, है ना फ्लैश? तुमने सुना, उसने हाँ कहा। मुझे सच में लगता है कि हमें जाना चाहिए वरना हम इस घाटी से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। सही कहा सिम्बा। क्या तुमने सुना? चलो आगे चलते हैं। चलो सिम्बा के साथ चलते हैं। मुझे तुम सब के बारे में तो नहीं पता पर ये जंगल मुझे डरावना लगता है। फ्लैश आ जाओ, हमें सबके साथ रहना है। ये तो सच में बहुत अच्छा है फ्लैश। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पसंद आएगा। वैसे शहद मुझे बहुत पसंद है। ओ ये तो बहुत अच्छा है। वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सब भाग रहे हैं। मुझे पता है। मुझे लगता है मुसीबत में है। चलो सब लोग छुप जाओ। जल्दी। तुम्हें क्या लगता है वो क्या है? मेरे ख्याल से कुछ बुरा होने वाला है। उसकी पूंछ को देखो। वो चमक रही है। सब नष्ट हो रहा है बलू, सावधान रहना।
सब खत्म हो रहा है। बलू सावधान रहना। हमें कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो। आगे बढ़ते रहो सब लोग, और हमें अपने आप को बचाने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। ये एक ही मौका है, हमें ये करना ही होगा। हमें इसके आगे रहना होगा, जल्दी। हम कुछ नहीं कर सकते, हम फंस गए हैं। मोटू उठो जल्दी, अब सब ठीक है। इसका मतलब हमने कर दिया। बहुत कूल। का बगीरा बकशॉट, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ, पर मुझे बल्लू के बारे में नहीं पता। और सैम का क्या? मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक हो? फ्लैश की वजह से। इसने हमें नीचे गिरने से बचाया। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना खुश हूँ तुम हमारे साथ आए दोस्त। आज तुमने दो बार मेरे दोस्तों को बचाया है, तुम बहुत बहादुर हो। मैं खुश हूँ कि हम लोग फिर से एक साथ हैं, पर हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मैं जाकर हालात का जायजा लेता हूँ। काओ दूसरी ओर जाने के लिए हम नीचे उतरे या कूद कर जाए? काओ नहीं सिम्बा, हमें बाहर से मदद चाहिए होगी। मैं आर्बर से संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान रखना काओ, अब तुम ही हमारी उम्मीद हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक डाकू बनने के बाद मैं ऐसे हालात में फंसूंगा। तो जहाज के डूबने से भी बुरा है। आर्बर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? आर्बर, मुझे तुम्हारा संदेशा मिल गया। काओ, तुम सबको घर वापस लाने के लिए मुझसे जो बन सकेगा करूंगा। शुक्रिया। तुम्हारी आवाज सुनकर बहुत अच्छा लगा आर्बर, पर तुमने हमारी आवाज कैसे सुनी? मैं सारे पेड़ पौधों के संपर्क में रहता हूँ, और इन्होंने ही मुझे बताया कि तुम सब मुसीबत में हो। हम तो तुम्हारे पास कोई रास्ता है हमारे दोस्तों को वहाँ से बाहर निकालने का? बताओ। हाँ, मेरे पास एक रास्ता है। ध्यान से सुनो काओ। काओ को गर्व है, बहुत समय हो गया है, उम्मीद है कि वो ठीक हो। अगर वो आर्बर तक नहीं पहुँच पाया तो मुझे नहीं पता क्या होगा। आर्बर ने मुझे बताया कैसे बाहर निकलना है। शुक्र है, चलो काम बन गया। मुझे पता था कि आर्बर हमेशा हमारा ख्याल रखेगा। बोलो काओ। तुम्हें उस पेड़ को यहाँ झुकाने के लिए अपनी सितारों की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। जब वो पेड़ यहाँ झुकेगा तो एक पुल सा बन जाएगा, और इस तरह से तुम चट्टान से बाहर निकल जाओगे। आर्बर ने उस पेड़ से बात कर ली है। मैं समझ गया। तैयार? पहले मैं जाऊंगा, मजबूत लग रहा है। मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है, चलो चलते हैं। सब बच गए।
बहुत बहुत शुक्रिया आबा। सिम्बा जंगल के पार तुम्हें घाटी से निकलने के रास्ता मिलेगा, पर सावधान रहना, तुम्हें और भी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हिम्मत रखना और एक दूसरे की मदद करना। तुम्हारी बातों से हमें हौसला मिलता है। मैं घर जाकर अपने नए दोस्त के साथ खेलने का और इंतजार नहीं कर सकता। तुम भी खेलोगे ना? तुम राजा बन जाओगे तो क्या हमारे साथ खेलोगे नहीं? इसके साथ खेलने पर तो मुझे कसरत करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। मैं खुश हूँ कि सबका जोश बरकरार है और इससे घर पहुँचने में मदद होगी। हंसने से अच्छा कुछ भी नहीं है। बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकले सिम्बा। चलो सब लोग अब घर चलते हैं। समय के मूल्य को समझने के लिए सिम्बा और उसके दोस्त अपना सफर जारी रखेंगे। इस जंगल में कहीं भी कोई भी घात लगाकर बैठा हो सकता है। क्या वो सभी परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे? जानने के लिए अगले एपिसोड में मिलेंगे दोस्तों।